हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेडीएस एजुकेशन अकेडमी। सो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों क्लास 10th संस्कृत बोर्ड एग्जामिनेशन के आंसर की। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है दोस्तों, आपसे आपके 10th क्लास के दोस्तों आपके बोर्ड के एग्जाम स्टार्ट हो गए हैं। सो आज फाइनली संस्कृत का पेपर हुआ था दोस्तों, जिसका आंसर की दोस्तों हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले फ्रेंड। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों कि हमारे चैनल मेले एसएससी को डेडिकेटेड है फ्रेंड। सो यहाँ पे आपको टर्म ऑन एग्जामिनेशन की पूरी तैयारी करवा जाएगी। तो जो लोग हमारे चैनल पहली बार हैं दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दोस्तों दबा लीजिएगा। इसके अलावा मैंने बहुत सारे चैप्टर्स की एमसीक्यूज प्रैक्टिस के लिए दोस्तों प्ले लिस्ट बनाई हुई है, तो आप उस प्ले लिस्ट के दोस्तों जाकर चेक कर सकते हैं और अपनी दोस्तों तैयारी को इम्प्रूव कर सकते हैं फ्रेंड। कल का एग्जाम दोस्तों आपका टूरिस्ट एंड ट्रैवल टूरिज्म का है दोस्तों, ट्रैवल टूरिज्म का। नेक्स्ट आपका 3rd ईयर का दोस्तों एसएससी का एग्जाम है। सो इसके लिए दोस्तों वे रेडी हो जाइए, हम लोग दोस्तों अच्छे से तैयारी करेंगे और 40 आउट ऑफ 40 स्कोर करने की दोस्तों कोशिश करेंगे। सो नाउ स्टार्ट करते हैं दोस्तों अपना यहाँ पे आंसर की। सबसे पहले दोस्तों इंस्ट्रक्शन देखते हैं, इंस्ट्रक्शन क्या कह रहा है। प्लीज चेक दैट दिस क्वेश्चन पेपर कंटेन 8 प्रिंटेड पेज। टोटल आपको 8 पेज होंगे दोस्तों, एमआरसीट पे आपको आंसर देना है। टोटल 51 क्वेश्चन होंगे दोस्तों और 20 मिनट पहले आपको दोस्तों एग्जाम दिया गया था क्वेश्चन को पढ़ने के लिए, ठीक है फ्रेंड। टोटल 40 मार्क्स का पेपर था, 90 मिनट्स का आपको टाइम दिया गया था दोस्तों। ये इंस्ट्रक्शन है कुछ, वो ध्यान से आपको पढ़ना था। नाउ यहाँ से दोस्तों आपका पेपर स्टार्ट हो गया। सो यहाँ पे दोस्तों मेनली मैं आपको आंसर बताने वाला हूँ दोस्तों, ताकि हमारी वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो और आप अपना स्कोर दोस्तों इजीली चेकआउट कर सकते हैं और आपके मन में जो स्ट्रेस हो दोस्तों वो कम हो जाए, ठीक है फ्रेंड। सो नाउ स्टार्ट करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर किया आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हुआ। सेकंड का दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। थर्ड का दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का दोस्तों होगा आपका ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर सिक्स का है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। सेवंथ का दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। 8th का होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। 9th का होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। 10th का होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट फ्रेंड। 11th का होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। 12th का होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 का होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। 14th का दोस्तों ए विल बी करेक्ट। 15th का दोस्तों आपका बी विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16 का दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। 17th का होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। 18th का दोस्तों ए करेक्ट। 19th का होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। 20th का होगा दोस्तों आपका ए विल बी करेक्ट। 21st का दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22nd है दोस्तों, 22nd का आपका आंसर होगा सी विल बी करेक्ट। 23rd का दोस्तों डी विल बी करेक्ट। 24th का दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। 25th का होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। 26th का ए। 27th का दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। 28th का होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। 29th का होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। 30 का होगा दोस्तों आपका सी विल बी करेक्ट। 31 का होगा दोस्तों बी विल बी करेक्ट। 32 का दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। 33 का होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। 34 का दोस्तों ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। 35 का ए। 36 का ए। 37 का दोस्तों होगा आपका ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। 37 का होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। सॉरी, 36 का ए होगा, 37 का डी। 38 का दोस्तों बी विल बी करेक्ट। 39 का होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। 40 का दोस्तों डी विल बी करेक्ट। 41 का होगा दोस्तों आपका सी विल बी करेक्ट। 42 का दोस्तों ए विल बी करेक्ट। 43 का होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। 44 का होगा दोस्तों डी विल बी करेक्ट। 45 का दोस्तों ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। 46 का होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। 47 का दोस्तों बी करेक्ट। 48 का होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। 49 का होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। 50 का दोस्तों आपका सी विल बी करेक्ट। एंड 51 का होगा दोस्तों आपका डी विल बी करेक्ट। सो यहाँ पे दोस्तों मैंने आपको कम टाइम में सारे क्वेश्चंस के आंसर्स बता दिए। आई होप दोस्तों आपने अच्छा स्कोर किया होगा। सो अगर दोस्तों आप अपना स्कोर शेयर करना चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। इसके अलावा किसी आंसर के क्वेश्चन के आंसर में दोस्तों आपका डाउट हो तो आप कमेंट करके दोस्तों जरूर पूछ सकते हैं। सो नेक्स्ट तैयारी दोस्तों हम एसएससी के करने वाले हैं, तो हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है फ्रेंड। सो एसएससी में दोस्तों हम डेफिनेटली 40 आउट ऑफ 40 स्कोर करेंगे फ्रेंड। सो जो लोग भी हमारे चैनल पर पहली बार दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दोस्तों दबा लीजिएगा। सो नेक्स्ट एग्जाम के लिए दोस्तों ऑल द बेस्ट एंड गुड लक फ्रेंड।